बिहार सरकार अपने खर्च पर भले ही बिहार में जातीय जनगणना करवा रही हो, लेकिन इसको लेकर जो सियासत है वो खूब हुई। और अब पूरा जो मामला है वो पटना हाईकोर्ट में है, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के साथ ही लगभग ये तय हो जाएगा कि बिहार में आगे जातीय जनगणना होगा या फिर इसे यहीं पर खत्म करना है। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार यानी आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को 3 दिन के भीतर इस याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद अब आज इस मामले की सुनवाई होनी है। वहीं बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस टीएस नरसिम्हा ने सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया था कि वे पहले हाईकोर्ट में जाएं, अगर वे निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से 3 दिन के भीतर इस याचिका पर सुनवाई करके अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही थी। मालूम हो कि इससे पहले जाति आधारित गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा है कि वो किसी को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर रहे। इस पर पिटिशनर के वकील दीनू कुमार ने कहा है कि जब किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है और उन्हें जवाब के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में बिहार सरकार क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रही? सरकारी अधिकारियों को फालतू के कामों में उलझाकर उनका वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है, जिसके बाद उनके तरफ से इन्हीं तरह के कई सवाल को लेकर याचिका डाली गई थी। आपको बताते चले कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय गणना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई, इसके बाद 15 अप्रैल को जाति गणना का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके 15 मई तक पूरा होने के आसार हैं। दूसरे चरण के प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जाति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतीश सरकार भारी भरकम खर्च करके जातीय गणना करा रही है, अगर अदालत में इस पर रोक लगती है तो सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। देखने वाली बात होगी कि जिस जातीय जनगणना को लेकर सूबे की नीतीश सरकार बार बार विपक्षी के निशाने पर थी, उस जातिगत जनगणना पर आज अपना कोर्ट क्या फैसला रखती है। क्या इस फैसले से नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगता है या फिर जातिगत जनगणना आगे भी चलेगा? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।